कर्नाटका हिजाब विवाद के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस बुर्का पहने एक आदमी से बुर्का उतरवा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया, जिसमें भाजपा दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता प्रशांत उमराव और भाजपा महिला मोर्चा यूपी की स्टेट सोशल मीडिया प्रमुख सुचित्रा पाठक कक्कड़ शामिल है। व्हाट्सएप पर यह वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कर्नाटका में जो लोग बुर्का बैन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर आदमी ही हैं। पत्रकार राकेश कृष्णन सिम्हा ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा ही दावा किया। व्हाट्सएप पर यह वीडियो एक और दावे के साथ भी शेयर किया जा रहा है कि बुर्का पहने आदमियों के आतंकवादी ग्रुप को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आइए जानते हैं इस वीडियो का सच क्या है। कीवर्ड सर्च करने पर हमें मालूम चला कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश में 2020 में हुई एक घटना से जुड़ा है। ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ईटीवी आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कुर्नूल जिले से बुर्का पहनकर अवैध शराब की तस्करी कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कर्नाटका में हिजाब पहनकर विरोध में शामिल हो रहे आदमियों को गिरफ्तार करने की कोई खबर नहीं है। ये वीडियो पहले भी गलत दावे के साथ शेयर किया गया था। अगस्त 2020 में इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा था कि बुर्का पहनकर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए आरएसएस वर्कर को पुलिस ने पकड़ा। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में बुर्का पहनकर शराब की तस्करी कर रहे कुछ लोगों का वीडियो गलत दावों के साथ बार बार शेयर किया जा रहा है।